जिले में बहने वाली तीन नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके संबंध में जिला आपदा विभाग के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि सरयू नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है, राप्ती नदी भी चेतावनी स्तर को क्रॉस करने के करीब पहुंच गई है, जबकि रोहिणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर हैं, जिसको देखते हुए सभी तहसीलों और विभागों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी सतर्क कर दिया गया है तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी विभागों द्वारा बंधों और नदियों के जलस्तर का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा सभी बाढ़ चौकियों को प्रभावी करते हुए नाव की व्यवस्था भी कर दी गई है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि फिलहाल जनपद में अभी कोई खतरे की बात नहीं है और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए इस समय गोरखपुर में जो सरयू नदी है वो भी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। राप्ती नदी भी आज देर रात तक उम्मीद है कि वो भी चेतावनी स्तर को क्रॉस करेगी, और हमारे वहाँ ये रोहिणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो नदियाँ निश्चित तौर पे जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है और उसकी वजह से, और जो नीचे साइड में भी हम प्लेन एरियाज में भी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से नदियाँ थोड़ी उफान पर हैं, और उसके दृष्टिगत सभी तहसीलों को अलर्टनेस जारी कर दिया गया है। सारे डिपार्टमेंट्स को अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से भी रिक्विजिशन भेज दी गई है वहाँ पर, कि वे भी मतलब गोरखपुर में स्टेबल रहें और यहाँ पर वो एक स्टैंड बाई मोड में रहें, ताकि हमें अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति पड़ती है तो उनका यूज़ कर सकें। साथ ही अभी जो नदियों के जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम लगातार तटबंधों का निरीक्षण कर रही है, और बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ चौकियां क्रियाशील हो चुकी हैं, और इसके अलावा अगर कहीं कोई नाव इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है, आवागमन कहीं कोई बाधित होता है, तो ये भी निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल नाव लगा लिया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई आवागमन बाधित ना हो। तो ये पूरी प्रिपरेशन की गई है, और अभी तक कोई इस तरह से कोई अप्रिय घटना की सूचना भी प्राप्त नहीं है।